वक्त हम मौजूद हैं मानसेरा बटन। रात को 12 बजे नारान से बहुत लेट यहाँ पहुँचे। यहाँ अपने कज़न के घर में हमने स्टे किया। अभी 1 बजे का टाइम है, हम उठ गए हैं। आज हम जाएंगे इंशाल्लाह छतर टॉप, जो कि टोटली अनएक्सप्लोर है। टूरिस्ट को इस जगह का नहीं पता। इस जगह का इस्लामाबाद से जो डिस्टेंस बनता है वो 220 किलोमीटर है। आप इजीली हज़ारा मोटरवे के थ्रू यहाँ तकरीबन 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। आपको आगे का हम रूट बताते हैं, हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। बटल से 5 किलोमीटर ड्राइव के बाद तबलीगी मरकज आएगा। आप उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, ये मदरसा अहमदुल्ला है। यहाँ जब आप पहुँचेंगे, इस तरफ जो रोड जाता है वो छतर टॉप को जाता है। तकरीबन आपके 40 से 50 मिनट लगेंगे अगर आप रुक रुक के जाएंगे। वैसे आपका आधा घंटा लग जाएगा। और ये जो रोड आगे जाता है थोड़ा सा, ये आप 5 मिनट का ड्राइव करेंगे, छतर बाज़ार है। यहाँ आप खाने पीने की चीज़ें ले लें। हम अभी नहीं जा रहे, हम इंशाल्लाह छतर टॉप से जब वापस आएँगे, यहाँ की मेरे ख्याल से एक मशहूर आइसक्रीम है वो खाएंगे। और आप हमारे साथ रहिए, आज एक नई जगह है, अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं पहले 2 दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन आपके लिए मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर बात करें रोड कंडीशन की तो काफ़ी साफ़ सुथरा रोड है। इजीली बाइक से लेकर छोटी बड़ी हर किस्म की गाड़ी मेरे हिसाब से यहाँ आ सकती है। मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, ये चेक करें, बारिश अभी अभी रुकी है। काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है और ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। नीचे उतरते हैं, आपको इसके व्यूज़ दिखाते हैं, चेक करें। रोड से नीचे उतरते हैं, आपको नीचे जाके व्यूज दिखाते हैं। ये देखें जी, काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं और बहुत सुकून वाला माहौल है। यहाँ कोई टूरिस्ट की तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि इस जगह को किसी का पता नहीं है और काफ़ी सुकून वाली जगह है। बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ, रोड यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, एक अलग किस्म का सुकून है। यहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है। दोबारा ऊपर रोड की तरफ जाते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं छतर टॉप की तरफ।
फाइनली हम छतर टॉप पहुंच चुके हैं बटल बाजार से 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव के बाद। ये देखें काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है लेकिन व्यू क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी अभी बारिश हुई है और धुंध बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी कमाल का व्यू है। छटर टॉप के अगर रूट की बात करें तो इस्लामाबाद से तकरीबन 215 किलोमीटर बनता है। आई थिंक आप हजारा मोटरवे पे चढ़ेंगे, हवेलियां, हरिपुर, एबटाबाद को क्रॉस करते हुए आप मानसेरा पहुंचेंगे। मानसेरा के बाद आप जब शिनक्यारी क्रॉस करेंगे उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद चिनारकोट इंटरचेंज आएगा। वहां से आपने लेफ्ट ऊपर जीटी रोड की तरफ होना है। जीटी रोड से तकरीबन आप 5 मिनट ड्राइव के बाद बटल बाजार पहुंच जाएंगे। बटल बाजार जैसा कि पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, वहां से छटर टॉप का तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। और रोड की बात करें, रोड इंतहाई साफ सुथरा है, मोटरसाइकिल से लेकर छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां इजीली यहां तक आ सकती है। भाई आप मुझे बताएं कि यहां बेस्ट डेज कौन से हैं कि हम यहां आए, यहां इधर हमें इससे बेहतर व्यू मिल सके। वो जून जून जुलाई का महीने काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर, वीडियो बहुत होती है। इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि सर्दियों में आना चाहिए? सर्दियों दिसंबर और जनवरी में आना चाहिए, वो काफ़ी बहुत बर्फ होती है यहाँ पर और अच्छा माहौल होता है। क्योंकि कहने का मकसद है कि आप जो जून जुलाई है उन महीनों में आए, उनमें क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो ग्रीनरी का एंड चल रहा है, वो व्यू नहीं है जो जून जुलाई में देखने को मिलता है। और दिसंबर जनवरी जो बर्फ के डेज होते हैं, नारान कागान ये साइड बंद होती है, आप कोशिश करें इस एरिया को विजिट करें, यहाँ बहुत हैवी किस्म की स्नो फॉलिंग होती है। आपको नीचे एक जगह दिखाते हैं जहाँ पत्थर है, रोड से थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे जो काफ़ी एडवेंचरिस्ट है, उसके ऊपर तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वहाँ व्यू भी आता है, सीन भी है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाते हैं आपको दिखा। ये जब आप छतर टॉप से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये चेक करें, काफी एडवेंचरिस्ट पत्थर है और यकीन करें नीचे इतनी खाई है कि अगर यहाँ से कोई गिर गया तो उसकी लाश ही ऊपर आएगी। यहाँ आप आए विजिट करें लेकिन आपने एहतियात करना है। काफ़ी टाइम एंजॉय करने के बाद अभी आपको दिखाते हैं छतर का बाज़ार, जाते हैं वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, खाने पीने के लिए क्या होटल्स वगैरह है यानी गेस्ट हाउस। यहाँ तो ना होटल है ना खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी नहीं है। बारह रोड साफ़ है, सिग्नल भी आ रहे हैं जोंग और टेलनोर वगैरह के। और अभी आपको छतर बाज़ार की तरफ जाते हैं, आपको बाज़ार दिखा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छतर का जो बाज़ार है वहाँ, यहाँ खाने पीने की हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। और सुने यहाँ के जो चपली कबाब है वो बहुत मशहूर है, जाते हैं वो खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
चपली कबाब का ऑर्डर दे दिया है, उन्हें 10 मिनट का बोला हुआ है, 10 मिनट तक इंतजार करते हैं, अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। छतर के चपली कबाब खा लिए हैं, काफ़ी लजीज थे, यकीन करें पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह टेस्ट इधर है उस तरह का टेस्ट वहाँ नहीं मिलता। और सुना है कि यहाँ की पेशावरी आइसक्रीम भी बड़ी मशहूर है और काफ़ी लजीज हैं, जाते हैं वो खाते हैं और उसका टेस्ट भी आपको बताते हैं कि कैसे। छतर के जो मशहूर चपली कबाब थे वो खाए, बहुत लजीज थे। उसके अलावा जो पेशावरी आइसक्रीम खाई उसका भी एक अपना ही लेवल था। जो भी टूरिस्ट छतर टॉप और छतर प्लेन आना चाहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि आप जो गर्मियां जब स्टार्ट होती है जून जुलाई में, उन दिनों में आएँ, क्योंकि उन दिनों में व्यू काफ़ी कमाल का होता है, ग्रीनरी अपने पीक पर होती है। इन दिनों भी व्यू था लेकिन जो इसका हुसन असली हुसन होता है वो नहीं था। आप कोशिश करें कि जून जुलाई में आएँ। इसके अलावा आप जनवरी और दिसंबर जो स्नोफॉल के दिन होते हैं वहाँ भी आएँ। और जो लोकल के मुताबिक वो कह रहे थे कि यहाँ जो स्नोफॉलिंग होती है उसमें ज़्यादा कमाल का व्यू होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।